आज आपके लिए राहत की खबर है और एक बड़ी खुशखबरी भी है। व्यक्तियों की इम्यूनिटी पावर काफ़ी अच्छी है, उसमें लक्षण के प्रभाव नहीं देखने को मिलते हैं, सिर्फ वो कोरोना प्रभावित व्यक्ति कहलाते हैं। डर का माहौल अजमेर के अंदर है। कुछ खबरें चाइना से आई है कि जो पहले ठीक हो चुके हैं उनको दोबारा कोरोना प्रभावित होने के लक्षण मिले हैं। लगातार आंकड़ों में अजमेर के अंदर बढ़ोतरी हो रही है। कॉमन कोल्ड कहा जाता है, एक फ्लू कहा जाता है, और एक ये कोरोना से जो अभी COVID-19 बीमारी है। 10 मरीजों को ठीक कर दिया है और यही सबसे बड़ी राहत की खबर है अजमेर के लिए। बहुत सारे स्टडीज़ आई हैं जिसमें ये अपने हार्ट को भी अफेक्ट करता है, क्योंकि डायबिटीज़, कैंसर या कोई और बीमारी से ग्रसित होने की वजह से इम्यूनिटी कम हो तो उसमें ये कोविड का वायरस ज़्यादा प्रभाव दिखाता है और उसकी जान ले सकता है। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ। नमस्कार, मैं सुशील पाल और आप देख रहे हैं एनपीटीवी इंडिया। कोरोना वायरस की जिस तरीके से खबरें लगातार अजमेर से आ रही है, उससे अजमेर वासी बहुत चिंतित हैं। डर का माहौल अजमेर के अंदर है। लगातार आंकड़ों में अजमेर के अंदर बढ़ोतरी हो रही है। इस बढ़ोतरी के साथ साथ लोगों में चिंता है कि आखिरकार इस कोरोना को कब हराया जाएगा। लेकिन आज आपके लिए राहत की खबर है और एक बड़ी खुशखबरी भी है। अजमेर में 24 घंटे के अंदर अजमेर के अंदर JLN अस्पताल के अंदर जो चिकित्सक इस वक्त अपनी सेवाएं दे रहे हैं, कोरोना योद्धा के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं, उन लोगों ने 10 मरीजों को ठीक कर दिया है और यही सबसे बड़ी राहत की खबर है अजमेर के लिए। तो इस वक्त हमारे साथ इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर अनिल सामरिया, जो JLN अस्पताल में चिकित्सक हैं। डॉक्टर साहब, एमपीटीवी इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपकी पूरी टीम को बधाई दूंगा और उसके साथ इस बात को जानना चाहूंगा कि आखिरकार 10 मरीज जो आप लोगों ने ठीक किए कोरोना के, ये मरीज कैसे ठीक हुए? क्या इनमें किसी प्रकार के लक्षण उतने नहीं थे जितने बाकी के मरीजों में है? इन मरीजों की हालत कैसी थी? मैं आपका धन्यवाद का पात्र हूँ। आपने जो बधाइयाँ दी है वो दवाई बधाई के पात्र पूरे अजमेर वासी हैं। ये खुशखबरी है इस भयानक जो कि अपने डर बैठा हुआ है इस कोरोना को लेके, उसमें खुशी की राहत महसूस होगी लोगों में। लोग इससे उत्साहित होंगे कि हम रिकवरी की तरफ बढ़ने लगे हैं। पहले एक भय था, डर था कि कोरोना आएगा सबको मार देगा, ऐसा नहीं है। ये एसिम्प्टोमेटिक, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर इन कैटेगरी में इन्फेक्शन होता है। जो कि मरीज माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक है उनकी रिकवरी तेज़ी से देखी गई है। हमारे जो मरीज जो ठीक होके नेगेटिव हुए हैं, कोरोना से मुक्त हुए हैं, उनमें लक्षण काफ़ी नहीं और बिल्कुल मामूली लक्षण थे, जैसे बदन दर्द होना, सर में दर्द, खराश होना, गले में जुकाम जैसी शिकायत लेके ही आए थे, जो कि बिल्कुल 8 से 10 दिन में स्वस्थ होके कोरोना मुक्त हुए हैं। इन मरीजों को हमने जी जी आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद मैं अगले सवाल पे आपके पास आऊँगा। तो जो इस प्रकार के जो मरीज थे माइल्ड से एसिम्प्टोमेटिक वाले, जो मरीज जल्दी से लक्षण दिखाए, जल्दी रिकवरी आई है, इसमें एक 80 साल के बुजुर्ग भी हैं और एक बच्चा भी है जो रिकवरी दिखा रहा है, तो काफ़ी अच्छा हमें गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ मैं और हमारी टीम, जिसका धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे प्रिंसिपल साहब डॉक्टर वीर बहादुर सिंह जी, डॉक्टर अनिल जैन साहब जो अधीक्षक हैं, डॉक्टर एस के भास्कर साहब और डॉक्टर संजीव महेश्वरी जो कि एडिशनल प्रिंसिपल हैं, उन सबका, हमारी टीम में डॉक्टर HOD डॉक्टर CK मीना साहब, हमारी पूरी टीम जिसमें कि डॉक्टर रविंद्र तिवारी जी, डॉक्टर मनीष मीना जी, डॉक्टर हरदयाल जी, हमारे जो असली वॉरियर्स हैं रेजिडेंट डॉक्टर्स की टीम जिसमें कि डॉक्टर कमलेश मीना, डॉक्टर शंकरलाल जाट, डॉक्टर अरुण सोलंकी, डॉक्टर अक्षिया, डॉक्टर खुशबू, डॉक्टर अपने काफ़ी सारे डॉक्टर हैं जिनका नाम मैं लेना चाहूँ। हाँ, तमाम जो चिकित्सक हैं बिल्कुल ये कोरोना के योद्धा हैं और सही मायनों में जिस तरीके से सीमाओं पर जवान देश की सुरक्षा करते हैं उसी तरीके से आप बिल्कुल लोग इस बिल्कुल इनमें से समाज को बचाने का काम कर रहे हैं। ये सारे के सारे डॉक्टर जी जी मैं एक बात जानना चाहूंगा, राजस्थान से SMS अस्पताल से सबसे पहले राहत की खबर आई थी, वहां पर कुछ मरीजों को ठीक किया गया, यहाँ पर आप लोगों ने मरीजों को ठीक किया, ये आंकड़ा जो है ये आंकड़ा कितनी दिनों के अंदर रफ्तार पकड़ेगा, तेजी से कितनी जल्दी अजमेर से हमको राहत बड़ी ऐसी खबरें मिलेंगी कि बहुत जल्दी से कोरोना के जो मरीज हैं वो ठीक हो रहे हैं, और इसके लिए आप लोग किस प्रकार का उपचार कर रहे हैं,
ये भी आप बताइए। ये अभी तो अजमेर में ही नहीं, जयपुर, बीकानेर, भीलवाड़ा, काफ़ी जगह से ये खुशखबरी की या राहत की खबरें हमें सुनने को मिल रही है। स्पेशल अजमेर से भी मिलने लगी है। ये रिकवरी की खबरें रोज़ाना आपको मिलेगी, राहत की खबर मिलेगी, जिससे और आपको अच्छा लगेगा कि डर ख़त्म होने लगेगा, लोगों में एक भय है वो भी ख़त्म होने लगेगा। इनके लक्षणों के जो एसिम्प्टोमेटिक माइल्ड केसेस हैं उनको सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया गया है और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की टैबलेट दी गई हैं, विटामिन सी दिया गया है, विटामिन के अलावा जिंक की टैबलेट और मल्टी विटामिन। अगर जिसको जुकाम, खांसी जुकाम है, माइल्ड लक्षण है, तो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट देके उनको स्वस्थ किया गया है। और उसके उपरांत ये 7 से 10 दिन में इनके नेगेटिव आया, पहले 7 डेज पे कराया, फिर उसके 24 घंटे के अंतराल में दोबारा टेस्ट कराया, जिससे कि वो नेगेटिव मुक्त हो गए, कोरोना इससे मुक्त का घोषणा हुई है। उसके बाद इनको एक 14 दिन के फैसिलिटी क्वारंटाइन रखा जाता है ताकि ये कम्युनिटी में स्प्रेड ना करें, क्योंकि इस वायरस की अभी काफ़ी जानकारियाँ नहीं हैं लोगों में, ना ही रिसर्च काफ़ी उपलब्ध है। इसके लिए हम सुविधा के अनुसार या हम सावधानियों के तहत इनको 14 दिन का और क्वारंटाइन में रखा जाएगा, फिर उसके बाद एक टेस्ट वापस लगाया जाएगा, अगर वो नेगेटिव आता है तो इनको होम क्वारंटाइन के लिए भेजा जाएगा। तो इस तरह की एक प्रक्रिया चलती है। जी, एक बात समझना चाहूँगा और तमाम जो दर्शक हैं वो भी समझना चाहते हैं कि कुछ लोगों में कोरोना के लक्षण नहीं आ रहे हैं सामने, तो क्या इसका संबंध सीधे तौर पर इम्यूनिटी पावर से है? और जो विटामिन सी की दवाई का आपने जिक्र किया, क्या या इससे आप लोग इम्यूनिटी पावर को बढ़ा रहे हैं मरीज की? और क्या वाकई ऐसा ही है कि जिसकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग है उसमें कोरोना के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं? बिल्कुल, जिन व्यक्तियों की इम्यूनिटी पावर काफ़ी अच्छी है उसमें लक्षण के प्रभाव नहीं देखने को मिलते हैं, सिर्फ वो कोरोना प्रभावित व्यक्ति कहलाते हैं, ना कि वो मरीज। मरीज वही हो जिनमें कि सिम्टम महसूस करें, जिसमें खांसी, जुकाम, गले में दर्द, सांस में उठाव, सूखी खांसी का आना, ये सब कोरोना के लक्षण हैं। जिनमें ये लक्षण नहीं है वो एसिम्प्टोमेटिक या लक्षण के बिना वाले मरीज ना कह के मैं उनको कोरोना प्रभावित व्यक्ति मानूंगा, पर ये कम्युनिटी के लिए स्प्रेडर ज़्यादा खतरनाक है। ये जैसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी में स्प्रेड करने की संभावना रहती है, क्योंकि उनको ये लक्षण नहीं पता, वो अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं, लेकिन वो वायरस का शेडिंग लगातार करते रहते हैं, खांसते वक्त, छींकते वक्त, अपने गंदे हाथ मुँह में अगर आप कहीं लगाया हो तो उसको कहीं टच करने से, दरवाजों के हैंडल पे, कहीं और दूसरी किताबों पे, किसी टेबल पे छूने से वहाँ वायरस रह जाता है, फिर वो दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्ट करता है। तो इस तरह के एसिम्प्टोमेटिक मरीज से या एसिम्प्टोमेटिक कोरोना प्रभावित व्यक्ति से स्प्रेड की संभावना ज़्यादा रहती है, और वो किस इंसान को ज़्यादा अफेक्ट करेगा, किसकी इम्यूनिटी कम है उसमें जानलेवा प्रभाव डाल सकता है। इनको हमें बचाने का एक एम मुद्दा है, जो ही एक एसिम्प्टोमेटिक को एक क्वारंटाइन किया जाना चाहिए और जैसा कि इलाज हम कर रहे हैं वैसा ही रखना चाहिए, ताकि उनको कोरोना नेगेटिव होने के बाद ही घर भेजा जाए या कोरोना मुक्त होने के बाद ही। जैसा आप बता रहे हैं, जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि इनको कोरोना प्रभावित कहा जाए, कोरोना प्रभावित जो लोग होंगे इन लोगों को होम क्वारंटाइन के दौरान ही क्या ठीक किया सकता है? क्या ऐसा संभव हो सकता है कि अस्पताल ना आना पड़े इन लोगों को? ऐसा प्रयोग भी अभी मैंने कुछ कल परसों एक स्टडी में देखा था, कई स्पेशली इसराइल का जो वीडियो आया देखा था मैंने, उसमें ऐसे मरीजों को होम क्वारंटाइन किया गया। पर एसिम्प्टोमेटिक को होम क्वारंटाइन का मतलब ये नहीं, क्योंकि घर में दूसरे व्यक्ति भी रहते हैं, साथ में उनके माँ बाप हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, पति पत्नी आपस में हो सकते हैं, पर एक व्यक्ति प्रभावित हो, एसिम्प्टोमेटिक हो, परिवार में दूसरे लोग प्रभावित नहीं हो उस कोरोना से, पर वो व्यक्ति उनमें फैलाने की बहुत तेज़ी से प्रबल संभावना रहती है, क्योंकि होम क्वारंटाइन में इतनी आप अपने आप को कितना दिन रह सकते हो, 14 दिन आप अकेले कमरे में काटना बड़ी मुश्किल होती है, आपको बहुत सारी दिक्कत हो, कॉमन टॉयलेट यूज़ करना पड़ सकता है, बाहर आ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं चूक होने की संभावना रहने से होने से घर में सबको प्रभावित कर सकते हो और कम्युनिटी स्प्रेड होने की संभावना ज़्यादा रहती है। ऐसे में इनको डेस्टिनेशन या फैसिलिटी क्वारंटाइन करके एसिम्प्टोमेटिक मरीजों की निगरानी में रखा जाए, सिंगल कमरे में रखें, जाके अटैच लेट बाथ हो, वहाँ रोज़ाना इनका टेम्परेचर, पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन की कैपेसिटी, कोई लक्षण तो नहीं आ रहे हैं, ऐसी मॉनिटरिंग या तो वीडियो मॉनिटरिंग करी जाए, ताकि कोई लक्षण तुरंत दिखे तो हम उसको वापस अस्पताल ला के इलाज दिया जाए टाइम से। इस तरह की व्यवस्था हो तो हम थोड़ा आगे लड़ने में मदद मिलेगी, क्योंकि हम सभी को अगर अस्पताल में रखना चालू करेंगे तो उससे हो सकता है कि लोड बढ़ जाता है,
अस्पताल भर जाते हैं, फिर जो असली बिल्कुल में मैं जिनको इसीलिए अस्पताल मैंने की मैंने इसीलिए चिकित्सकीय। इसीलिए इसीलिए सवाल पूछा, क्योंकि अगर मरीजों की संख्या बढ़ गई और अस्पताल में एक सीमित संख्या है, जी तब जी जो दूसरा स्टेप लेना पड़ेगा आप लोगों को, तो वो स्टेप मुझे ऐसा लगता है, नज़र आता है कि जिन लोगों में लक्षण नहीं है, शायद उन लोगों को घर पर ही इलाज, आप लोग जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि इसराइल के अंदर भी एक प्रयोग हुआ है, क्या ऐसा प्रयोग अजमेर में भी संभव हो सकता है कि आपके माध्यम से, आपके टीम के माध्यम से किया जाए? जितने भी पॉलिसी बनाई जाती है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के गाइडलाइन के अनुसार होती है, उनके गाइडलाइन के अनुसार ही हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ एक्सपर्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट लोग हैं, अपनी राय देते हैं, उसके बाद उनका प्रोटोकॉल बनता है, उसके बाद ही इलाज का प्रोसेस चालू होता है। तो हमें उनको सरकार के दिशा निर्देशों अनुसार ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्या गाइडलाइन अच्छा पब्लिक के लिए सोचती है सरकार, उसी के ऊपर हमें अमल करना चाहिए। सरकार सबसे बेस्ट प्रोवाइड करना चाहती है अपने देशवासियों के लिए, अपने राजस्थान वालों के लिए या पूरे भारतवर्ष के लिए। तो ये सारी सुविधाएं उनको, किसी को तकलीफ ना हो, किसी की जान ना जाए, किसी बीमारी से कोई अफेक्ट ना हो, कोई परिवार का अपना परिचित अपना चाहने वाला नहीं खोए, इसलिए ये सारे कदम उठाए जाते हैं ताकि कोई चूक ना हो, इसीलिए लॉकडाउन। जी मैं ये भी समझना चाहूँगा कि जिस तरीके से कोरोना के लक्षण हैं और जिस तरीके से मौसम अभी बदल रहा है, जी मौसम जिस तरीके से करवट ले रहा है, ऐसे में लोगों में जो लक्षण है कोरोना के वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ये आमतौर पर बीमारी हर साल ही होती है लोगों को, तो ऐसे में लोग कैसे समझें कि उनको एक आम वायरल है या वाकई कोरोना का वायरस है, वो कोरोना की बीमारी है उनको? एक तो होता है कॉमन कोल्ड, मतलब कॉमन कोल्ड कहा जाता है, एक फ्लू कहा जाता है, और एक ये कोरोना से जो अभी COVID-19 बीमारी है। तीनों के लक्षणों में ज़्यादा कोई अंतर नहीं किया जा सकता है। तीनों में जुकाम, छींके, नाक का बंद होना हो सकता है, मुंह का स्वाद जैसे बंद होना, तो वो भी इसमें भी हो सकता है, कॉमन कोल्ड में भी हो सकता है और फ्लू में भी हो सकता है। सांस में उठाव, गले में खराश, इन्फ्लुएंजा कॉमन कोल्ड में भी हो सकता है और कोविड में भी हो सकता है। निमोनिया ज़्यादातर अपने COVID-19 में ज़्यादा संभावना रहती है। सूखी खांसी और तेज बुखार आना COVID-19 में ज़्यादा है, जबकि फ्लू या कॉमन कोल्ड में बुखार की संभावना थोड़ी कम रहती है। लेकिन नाक का बहना, छींके आना, गले में खराश होना, ये फ्लू और कॉमन कोल्ड में बहुत देखा जाता है, पर उससे हमारी बॉडी इम्यून होती है, इससे रिकवरी जल्दी आ जाती है। लेकिन इन COVID-19 में हमारी जो इम्यूनिटी तो अच्छी है, पर हमारा शरीर उसको पहचानता नहीं है वायरस को, वो नया वायरस है और हमारे एंट्री करते ही हमारा बॉडी उसके अगेंस्ट रेस्पॉन्स करती है। जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है वो एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं या माइल्ड सिम्टम आते हैं, जिसकी इम्यूनिटी थोड़ी कम रहती है उसको मॉडरेट सिम्टम आते हैं, जिसकी इम्यूनिटी बहुत डाउन है क्योंकि डायबिटीज़, कैंसर या कोई और बीमारी से ग्रसित होने की वजह से इम्यूनिटी कम हो, तो उसमें कोविड का वायरस ज़्यादा प्रभाव दिखाता है और उसकी जान ले सकता है। तो ऐसे मरीजों को बहुत विशेष ध्यान रखना है। बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं, 5 साल से उम्र कम है, उनकी इम्यूनिटी भी कम रहती है, उनको भी बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है इसके लिए। तो लक्षण को पहचानना बड़ी मुश्किल है एक आम आदमी के लिए, इसलिए आप अगर किसी भी खांसी, बुखार, गले में खराश, सांस में उठाव, ऐसे कोई लक्षण अपने में देखें तो तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लें। डॉक्टर साहब, ये प्लाज्मा थेरेपी का बड़ा जिक्र हो रहा है और इसको पूरी दुनिया एक उम्मीद के तौर पर देख रही है कि प्लाज्मा थेरेपी के ज़रिए लोगों को कोरोना से मुक्त किया जा सकता है। प्लाज्मा थेरेपी की सच्चाई क्या है? प्लाज्मा थेरेपी कोविड वायरस को मारती नहीं है या कोविड वायरस के लिए कोई रामबाण नहीं है या संजीवनी बूटी नहीं है। प्लाज्मा थेरेपी एक स्टेज है, जैसे बीमारी का एक स्टेज है, स्टेज 1, 2, 3, 4। हम स्टेज 3 और 4 में प्लाज्मा का उपयोग का भी ICMR या फिर बहुत सारी कंट्री ने इस पर शोध चालू किया है कि इसके प्रभाव से कितना हम जो साइटोकिन स्ट्रोम होता है उसको कितना रोक सके, हम उसमें प्रभाव डालता है। ये रिवर्सल नहीं कर सकता, ये कोविड को नहीं मारेगा, ये हमारी इम्यूनिटी जैसे बॉडी में नहीं है, और जो ठीक होके गया है उसके अंदर बॉडी में एक एंटीबॉडी डेवलप हो जाता है जो कि बीमारी के एंटीजन को पहचानता है और उसे मार डालता है। तो हम उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। कोई मरीज की गंभीर स्थिति है, 3rd स्टेज और 4th स्टेज में है, और उसको बहुत काफ़ी सारा संभावना है कि हम प्लाज्मा थेरेपी देके उसको काफ़ी हद तक कमज़ोर कर सकें। ये रिवर्सल होना संभव नहीं है, ना ही कोई संजीवनी बूटी है, चमत्कारी नहीं है। इसमें काफ़ी शोध की ज़रूरत है, आगे काफ़ी रिसर्च चाहिए,
अभी ये ऐसा नहीं कि सब कोई पेशेंट हो गया आपके कोविड पॉजिटिव है तो उसको ये प्लाज्मा लगा दो, नहीं, प्लाज्मा का उपयोग सिर्फ इसके साइटोकिन स्टॉर्म को कम करने के लिए और लड़ने के लिए है, ना कि ये इसको रिवर्सल करने के लिए। इसमें काफ़ी शोध की आवश्यकता है, काफ़ी रिसर्च चल रही हैं, इनके परिणाम आने में समय लगेगा, इतना जल्दी संभव नहीं है कि ये चमत्कारी दवाई हो सकती है। एक डॉक्टर साहब एक बात और जानना चाहूँगा, जो कोरोना के मरीज़ आप लोग अभी ठीक कर रहे हैं, कितने परसेंट चांसेस हैं कि इनको कोरोना दोबारा हो सकता है, क्या कोरोना इनको दोबारा नहीं होगा? देखिए, हमारे इंडिया में ऐसा कोई अभी तक लक्षण या दोबारा कोई वापस इन्फेक्ट हुआ ऐसा केस अभी तक पहचानने में नहीं आया, लेकिन कुछ खबरें चाइना से आई है कि जो पहले ठीक हो चुके हैं उनको दोबारा कोरोना प्रभावित होने के लक्षण मिले हैं। ये कितना परसेंट है इस पे भी अभी शोध होगा और आगे पता लगेगा, अभी बहुत जल्दी होगा सब कहना कि कितने परसेंट में होगा, क्योंकि ये पूरा वायरस नया है, इसके बारे में जानकारी कम है, इसमें शोध कम है, तो ये सब बहुत समय लेगा, क्योंकि 31 दिसंबर के बाद ये एपिडेमिक पूरा वर्ल्ड वाइड घोषित किया गया WHO के द्वारा, तो अभी आप चौथा महीना चल रहा है, 4 महीने में इस पर कमेंट करना काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि अभी सब इसके बचाव और इलाज में लग रहे हैं, इस वायरस के शोध काफ़ी आने हैं, सारे रिसर्च चल रहे हैं, सभी चिकित्सक रिसर्चर इन पे लगे हैं कि कैसे इससे बचा जाए, क्या इसका इलाज हो, किस तरह वैक्सीन बने, इन सब पे कार्य चल रहा है, पर अभी इसको समय लगेगा, कम से कम नवंबर अक्टूबर या सितंबर तक जितनी जल्दी हो सकते रिसर्चर अपने ओपिनियन देंगे, इनको क्यूमुलेट करके WHO या दूसरी जो विश्व की संगठन है जो रिसर्चर में रिसर्च पे काम करती है, हमारा जैसे कि हमारा ICMR है, ये सब अक्यूमुलेट डेटा इकट्ठा करके डेटा जनरेट होता है, उसके बाद इस बीमारी के कैसा क्या लक्षण है, कितने दिन इंक्यूबेशन पीरियड है, कितना अफेक्ट करेगा, क्या इलाज काम आएगा, क्या इलाज नहीं काम आएगा, क्या दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट होंगे, वो सब एक रिसर्च के बाद ही सब संभव हो पाएगा, तो अभी इसमें समय लगेगा, तब तक हमें सावधानी बरतनी ज़रूरत है। इस पर आप क्या कहेंगे, जो कोरोना जिस तरीके से रिपोर्ट्स आ रही है कि कोरोना अपने लक्षण भी नए नए दिखा रहा है, जिसमें सिर दर्द, आंखों में आंखों का लाल होना, उसके साथ साथ बेचैनी होना, स्वाद को नहीं पहचान पाना, ये सब भी क्या कोरोना के वाकई लक्षण हैं या कुछ और लक्षण भी सामने आ रहे हैं? जी, काफ़ी सारे रिपोर्ट अभी आ रहे हैं, जैसे USA वाले काफ़ी रिसर्च आ रही हैं, छोटे छोटे डेटा हैं, कोई प्रूव्ड नहीं है, लेकिन हाँ ये वायरस कहीं भी कुछ इन्फेक्शन कर सकता है, हमारी आंखों में अगर कांटेक्ट में आएगा तो ये कंजक्टिवाइटिस भी कर सकता है, इन्फेक्शन भी कर सकता है, हमारे नाक वगैरह जुकाम कॉमन जो लक्षण है वो तो है ही, स्किन में दाने आने भी रिपोर्टेड है, अभी लंदन से ब्रिटेन से एक रिपोर्ट आई थी कि पैरों में नीले पड़ रहे हैं, छाले पड़ रहे हैं, ये जिसको कि हम चिल ब्लेन भी कहते हैं, उस तरह के सिमिलर लीजन्स देखने को मिले हैं, अभी ऐसी तरह के डेटा हम धीरे थोड़ा थोड़ा इकट्ठा होता चला जाएगा, तब एक डिजीज़ के बारे में पूरा वृत्तांत मिलेगा कि हाँ ये बीमारी ये बीमारी कर सकती है, कोई भी वायरस कोई भी बीमारी उसका कॉमन एक लक्षण कहते अपने एक दायरा होता है, उसके बाद वो अपने कुछ कुछ छुटपुट अलग बीमारियों के लक्षण भी हर बीमारी में देखने को मिलता है, जैसे मलेरिया है, डेंगू है, ये करता है, एक डिजीज़ कॉमन है पर किसी किसी में डिफरेंट लक्षण भी दिखाता है, वैसे ये वायरस कॉमन इनका लक्षण ये खांसी जुकाम बुखार सांस में तकलीफ इस तरह के लक्षण दिखाते हैं, ये तो कॉमन इसके ट्रैक हो गया, लेकिन इसके अलग हटकर कंजक्टिवाइटिस है, मेनिनजाइटिस है, एनकेफेलाइटिस है, अपने रैशेस हैं, चिलब्लेन जैसे जो लीजन पैरों में दिखने को जैसे मिले हैं, तो ये सारे लक्षण अभी डेटा जब इकट्ठे होंगे तब जाके पता लगेगा ये क्या क्या और कर सकता है, जैसे बहुत सारे स्टडीज़ आई हैं जिसमें ये अपने हार्ट को भी अफेक्ट करता है कि क्योंकि एक सडन डेथ की अपने इंदौर में उनको नमन है सादर पुलिस वाले थे काफ़ी अच्छे जवान जिनको कि बिल्कुल ठीक रिकवरी के बाद सडन डेथ कार्डियक अरेस्ट हुआ, तो ये वायरस सडन कार्डियक डेथ भी कर सकता है, मायोकार्डाइटिस भी कर सकता है, बहुत सारे लक्षण कार्डियक कर सकता है, पेट में दर्द होना, दस्तों का होना, ये भी एक इनका लक्षण है, बहुत सारे मरीजों में ये भी नोट किया गया कि पेट दुखता है, लूज मोशन आना, ये सारे लक्षण भी इसके एक प्रकार है, तो ये वेराइटी ऑफ प्रेजेंटेशन है इनके, तो हमें इसको सब आइडेंटिफाई धीरे धीरे जैसे जैसे डेटा कलेक्ट होते चले जाएंगे तो एक हमारे पास काफ़ी कलेक्शन होगा इन लक्षणों का, फिर उसके बाद ये मुख्य लक्षण तो ये हैं, ये इसके एटिपिकल सिम्टम्स हैं जिससे कि डॉक्टर्स या चिकित्सक को पहचानने में आसानी होगी और इलाज में आसानी मिलेगी। आपके JLN अस्पताल में इस वक्त
गंभीर कोरोना के मरीज कितने हैं और क्या कोई वेंटिलेटर पर भी है? अभी इसके बारे में तो हमारे प्रिंसिपल साहब ही आपको बता सकते हैं या जानकारी दे पाएंगे। हाँ, ज़्यादातर मैं कहना चाहूँगा कि 98% पेशेंट अभी लक्षण कम है, माइल्ड स्टेज वन स्टेज वाले ज़्यादा मरीज हैं। स्टेज रिकवरी का ग्राफ डेली कितना आना शुरू हो जाएगा, आप उम्मीद कितना करें अजमेर के जिस तरीके जैसे से केसेस आए हैं? 10 पेशेंट की रिकवरी 8 से 10 दिन में आई है, तो आगे आने वाले समय में रोजाना हम रिकवरी के पेशेंट दिखते चले जाएंगे। तब रिकवरी जैसे आने लगी है, बहुत अच्छी सूचना है, काफ़ी राहत का एहसास दे रहा है हमें, काफ़ी खुशी हो रही है कि मरीज़ ठीक होने लगे हैं। कितने मरीजों में हो सकता है कि इलाज की ज़रूरत ही ना हो, ये सेल्फ लिमिटिंग डिसऑर्डर की तरह अपने आप ही स्वतः ही ठीक हो जाए, ये भी संभावना है। पर ये सब डेटा भी समय के साथ साथ हमें पता लगेगा ये, क्योंकि कोरोना के जो आपकी जो मेहनत है उससे लोगों में उम्मीद जगी है। लोग इस वक्त इस लड़ाई को ये देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि अजमेर के जो जिले अस्पताल के चिकित्सक हैं वो कोरोना को जरूर हराएंगे और अजमेर को कोरोना से मुक्त करेंगे। मैं एक आखिरी बात आपसे ये चाहूँगा, अजमेर वासियों के लिए आपका आखिरी क्या संदेश होगा, क्या बात आप कहना चाहेंगे अजमेर वासियों को? अजमेर वासियों को ये कहना चाहूँगा कि आप डरे नहीं, घबराएं नहीं, बस अपना स्वयं का ध्यान रखें। व्यक्ति अगर अपना स्वयं का ध्यान रखेगा तो वो कोरोना या दूसरी बीमारियों से बच सकेगा। हम क्या करते हैं, लापरवाह होते हैं, हमें लोग समझते हैं मैं तो बहुत अटकटा हूँ, तगड़ा हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता। ये गलत फहमी है, किसी भी कोरोना है या कोई भी वायरस है, कोई भी बीमारी किसी को भी हो सकती है। उसके लिए आपको स्वयं की ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। हम अपना ध्यान रखेंगे तो दूसरों का ध्यान रख पाएंगे। अपना इलाज तभी संभव है जब आप बचाव कर सकें। बचाव के लिए आप अपने हाथ हमेशा घर पे, जैसे बाहर निकलना नहीं है तो लॉकडाउन है, लॉकडाउन है, घर पे रही है। बहुत ही अत्यंत आवश्यक काम है तो निकलिए, पर ऐसे ना निकलें, मुंह पे मास्क हो, आंखों पे चश्मा हो, टोपी लगा के निकलें, ग्लव्स हो तो उसका यूज़ करें। कि बाहर जाएं तो अनावश्यक किसी चीज़ को ना छुएं। घर आने के बाद आप अपने गेट को खुला करवा लें पहले से ही। आने के बाद अपने जो भी वस्त्र हैं उसको धीरे से झड़काएं ना, उसको गर्म पानी में डाल दें, धोने के लिए गर्म पानी में दें, आप स्नान करें, हाथों को अच्छी तरह साबुन पानी से बार बार धोएं। हमेशा बाहर जाते वक्त अपना सैनिटाइज़र साथ लेके जाएं ताकि उसको बार बार यूज़ कर सकें, अपने हाथ को इन्फेक्शन को बचाया जा सके फैलने से। सैनिटाइज़ करने के लिए 20 सेकेंड बहुत होते हैं, हाथ को साबुन पानी से धोने में 20 से 40 सेकेंड लगाना चाहिए। आपको जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप हाथों को कितनी बार आधे छोड़ धो के छोड़ देते हैं, उससे नहीं आपका इन्फेक्शन जाएगा। वायरस एक आरएनए है, उसके बाहर एक लिपिड की मतलब कि वसा की एक झिल्ली है, वो झिल्ली तभी डैमेज होती है जब आप उसको प्रॉपर तरीके से अल्कोहल युक्त सैनिटाइज़र यूज़ करें 20 सेकंड तक, या फिर हाथों को साबुन पानी से बार बार धोएं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, आप घरों पर रहें, सुरक्षित रहें, स्मार्ट बनिए, लापरवाही नहीं करिए, लापरवाही आपकी जानलेवा हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती समय हमको दिया, हमारे तमाम दर्शक मैं समझता हूँ कि उनको महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी, और जिस तरीके से अजमेर के जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने उम्मीद जगाई है, तमाम एमपीटीवी इंडिया और तमाम अजमेर वासी आप कोरोना योद्धाओं को सलाम करता है। और जो उम्मीद आपने जगाई है, ऐसी उम्मीद शहरवासी इस वक्त कर रहे हैं कि बहुत जल्द जो कोरोना के मरीज हैं उनके ठीक होने का जो ग्राफ है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। एमपीटीवी इंडिया से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी।